हेलो एवरीवन, इन टुडेज क्लास वी विल रीड द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रीडर। इट्स अ पोएम आवर ट्री टोड। ट्री टोड मतलब क्या? छोटा सा मेंढक, छोटा सा मेंढक जो कि पेड़ों पर रहता है। सो द पोएम स्टार्ट्स लाइक ग्रैंडफादर सेज द ट्री टोड दैट टू आवर यार्ड हैज कम इज जस्ट अ लिटिल वी टोड नो बिगर देन हिज थंब। तो ग्रैंडफादर एक ट्री टोड से बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक ट्री टोड है जो हमारे गार्डन में आया है। दैट टू आवर यार्ड हैज़ कम, यार्ड मतलब बगीचा, फार्म या गार्डन, जो हमारे गार्डन में आया है। इज जस्ट अ लिटिल वी टोड, और ये जो बिल्कुल छोटा सा है, नो बिगर देन हिज थंब, वो उनके अंगूठे से बड़ा भी नहीं होगा, ग्रैंडफादर के अंगूठे से बड़ा भी वो टोड नहीं होगा। सो द राइमिंग वर्ड्स आर टोड, देन अगेन टोड एंड इट्स कम and thumb. These are the rhyming words in the first stanza of the poem. And that is quotes, so queer it. और इसके जो कोट हैं, जो इसका जो ऊपरी लेयर है इस टोड का, वो काफ़ी स्ट्रेंज है, वो काफ़ी अलग है. Can turn from green to blue, like the tadpoles can change their color. तो ये अपना जो कलर है वो ग्रीन से ब्लू में भी कर लेता है. Whatever colors near it, वे दैट्स इट्स कलर टू. अब चाहे इसका कोई भी कलर इसके पास हो, ये जिस भी कलर के आसपास जाता है ये अपना कलर वैसे ही चेंज कर लेता है. सो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट दिस क्रिएचर कि ये जिस भी कलर के आसपास जाता है ये खुद को उसी कलर में ढाल लेता है. वॉट एवर कलर्स नियर इट, वाई दैट्स इट्स कलर टू. चाहे कोई किसी भी कलर के आसपास चला जाए ये उसी कलर का हो जाता है. देन वी सी And then grandfather snickers and says, would you suppose? He climbs with little stickers on his little toes. और फिर grandfather हंसते हुए कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, would you suppose? क्या तुम भी ऐसा करना चाहोगे? He climbs with little stickers. वो कहते हैं कि ऐसा समझो कि वो पेड़ों पर चढ़ता है कि उसके toes, उसके पैर में छोटे छोटे stickers लगे हों, वैसे वो पेड़ पर चिपकता हुआ चढ़ता जाता है. And don't you wish your toes now were fixed like his? और क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भी toes उसकी तरह ही हों? Were fixed like his? For see, right up the M he goes now. देखो वो कैसे उस बड़े से M, M is a large deciduous forest. तो वो कहता है कि देखो कि कैसे वो कैसे उस ऊँचे पेड़ पे चढ़ता जा रहा है. And sticks tied to the tree. और उतने ऊँचे जा कर के भी वो उस पेड़ पे चिपका हुआ है. So again we see the rhyming words are now, now, see and tree. So the poem has so many rhyming words in it. But then he says, oh dear me, if all the girls and boys could screech as loud I fear me, there is a dreadful noise. Lekin tabhi wo kehte hain ki hey Bhagwan, oh dear me, if all the girls and boys, matlab ye to acha hai ki tum uske jaise ban jao aur pedon pe chadh jao, lekin tab ग्रैंडफादर कहते हैं लेकिन तब कितना अजीब होगा, हाउ ड्रेडफुल इट विल बी, कि जब सभी बच्चे लड़के लड़कियां ऐसे ही बन जाएं एंड दे वुड क्लाइम द ट्री, और वो पेड़ पर चढ़ जाएं एंड देन दे वुड स्टार्ट स्क्रीचिंग. स्क्रीचिंग इज़ अनप्लीजेंट नॉइज़ जो कि मेढक निकाला करते हैं. सो दैट साउंड, अगर सभी बच्चे वैसे ही बन जाए, सबों को वैसा ही पावर मिल जाए और सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ने लगें, देन वॉट विल हैपन? देयर विल बी अ ड्रेडफुल नॉइज़, एक बहुत ही ख़राब शोर प्रोड्यूस होगा जो कि शायद ही कोई बर्दाश्त कर पाए. सो दैट्स अबाउट दिस पोएम. यू विल रीड द पोएम एंड राइट इट इन योर नोटबुक फॉर टुडे. दैट्स अबाउट फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर. सो टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय.